दीदी, इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये चित्रकला अन्य चित्रकलाओं से भिन्न है। इसको करने के बाद डिजाइन उभार आता है, इसीलिए हम इसे चमत्कारी चित्रकला भी कहते हैं। जहां अन्य चित्रकलाएं दो आयामी होती हैं, वहीं ये तीन आयाम वाली या थ्री डायमेंशनल प्रतीत होती है। इसके लिए आवश्यक सामान है एक कपड़ा जिसके ऊपर हमको पेंटिंग करनी है, एक कार्बन पेपर डिजाइन को छापने के लिए, और एक डिजाइन जो आप छापना चाहें। इसके चमत्कारी प्रभाव के लिए हम ये स्टीम बाइंडर मीडियम नंबर एक और ये मीडियम नंबर दो लेंगे। पर्ल फैब्रिक कलर्स और हम 4, 5, 2 और 1 नंबर के ब्रश भी लेंगे। और इसके चमत्कारी प्रभाव के लिए एक साधारण इस्त्री। सबसे पहले हम कपड़े पर ट्रेस पेपर और कार्बन पेपर की सहायता से डिजाइन छाप लेंगे। छापने के बाद ये डिजाइन ऐसा आएगा। अब हम इस पर स्टीम बाइंडर लगाएंगे और थोड़ी देर तक लगा के इसको सूखने देंगे। ये स्टीम बाइंडर एक ऐसा पदार्थ है जिसको लगाने के बाद गर्म इस्त्री या भाप करने से जो डिजाइन है वो उभर आता है। दीदी, इसका क्या और भी कोई सरल तरीका है? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप ये सब ना करना चाहें तो बाजार में विशेष रूप से मैजिक या एम्बॉज पेंटिंग के लिए मीडियम लगे हुए कपड़े मिलते हैं, आप उन्हें खरीद सकती हैं। और ये मीडियम लगाने के बाद थोड़ी देर तक कपड़े को सूखने के लिए रख दी। देखिए, सूखने के बाद ये कपड़ा ऐसा लगेगा, डिजाइन ऐसा दिखेगा। अब हम इसे उल्टा करके चादर पर बिछा लेंगे और 2-3 बार इसके ऊपर गर्म इस्त्री चलाएंगे। इससे इसमें जो किया हुआ डिजाइन है वो उभर आएगा। दीदी, इसे मैजिक एम्बॉज पेंटिंग क्यों कहते हैं? इसे मैजिक दरअसल एम्बॉज शब्द का अर्थ होता है उभरा हुआ होना, क्योंकि इसमें डिजाइन करने के बाद उभर आता है, इसलिए हम इसे मैजिक या एम्बॉज पेंटिंग कहते हैं। दीदी, पॉलिस्टर सिंथेटिक कपड़ा क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसमें हमको गर्म इस्त्री की जरूरत पड़ती है। अब आप ट्रे में पर्ल फैब्रिक रंग निकाल लें। यदि आपको लगता है कि रंग गाढ़ा है तो आप इसमें पानी या मीडियम नंबर एक मिला सकती हैं। ट्रे में पर्ल फैब्रिक कलर निकाल लें। मुंह का रंग बनाने के लिए हम नारंगी और सफेद रंग मिलाएंगे। तो उससे ऐसा रंग तैयार हो जाएगा। अब आप इसमें इच्छा अनुसार पेंट करें। आभूषणों के लिए हम ये सूखे सुनहरे पाउडर में ये मीडियम नंबर 2 मिलाएंगे। ये देखिए, इससे सुनहरा रंग हमारा तैयार हो जाएगा। ये सुनहरा रंग अब हम इसे आभूषण पे कर सकते हैं।
पूरा रंग करके ऐसे थोड़ी देर तक सूखने देंगे। अब हम इसे उल्टा करके इसके ऊपर गर्म इस्त्री चलाएंगे। तो इससे इसके ऊपर क्या हुआ, जो डिजाइन है वो उभर आएगा इस तरह से। ये देखिए, इससे डिजाइन ऐसे उभर। इस तरह से ये पेंटिंग तैयार हो जाएगी।